नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। ललितपुर से सिंगरौली जाने वाली रेलवे ट्रैक रीवा से गोविंदगढ़ तक 20 किलोमीटर का सफर करने के लिए बन चुकी है, लेकिन किसानों का साफ तौर से कहना है, अगर हमारी जमीन के बदले में हमें नौकरी नहीं मिली तो हम इसमें ट्रेन नहीं चलने देंगे। हाँ, देखिए हमारी ये खास। ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन का महत्वपूर्ण हिस्सा है रीवा से गोविंदगढ़ तक का मार्ग। रेलवे ने यहां इस मार्ग पर पटरी बिछा दी है, ट्रेन का ट्रायल भी प्रारंभ कर दिया था, लेकिन जिनकी जमीन ली थी रेलवे ने अभी तक उनको नौकरी नहीं दी है। गुस्साए ग्रामीणों ने एक बार ट्रेन के सामने लेटकर अपना गुस्सा भी प्रकट किया। उनका साफ तौर से कहना है, जब तक हमें नौकरी नहीं, इस मार्ग पर ट्रेन नहीं चल देंगे। हमारी टीम ने बात की गुस्साए किसानों से, आइए आपको सुनाते हैं उनका क्या कुछ कहना था। हल्ला न मचाइए बस। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी। मैं आपको आपके स्क्रीन में दिखा रहा हूँ गोविंदगढ़, सफेद शेरों की धरती। यहाँ पर के किसान सड़क में है, आंदोलन में है। वजह ये जो आप अपने स्क्रीन पर इस समय पटरी देख पा रहे होंगे, ये पटरी यहां बिछा दी गई, लेकिन इनकी जमीन का मुआवजा इनको नहीं दिया गया। आज बात इसको लेकर ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन का महत्वपूर्ण हिस्सा रीवा से गोविंदगढ़, यहां पर मैं मौजूद हूं गोविंदगढ़ में। तमाम इस पटरी पर आने वाले किसानों के प्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं, मैं सबसे बात करने की कोशिश करूंगा। कहां से हैं आप? हम रीवा से। हाँ, बताइए क्या समस्या? रेलवे प्रशासन बच्चों के साथ मैंने ये वादा खिलाफी किया। रेलवे प्रशासन बताइए। रेलवे प्रशासन ने हमारी जब जमीन ली, हमें ऑब्जेक्ट साथ साथ रोजगार देने की बात की थी, लेकिन 11/11/2019 का एक आदेश निकाल के रेलवे जिनकी जमीन अधिग्रहित की गई है उनको रोजगार देने से मना कर रहा है। रेलवे रोजगार देने से मना कर रहा है, बोलिए। हम लोग ये चाहते हैं कि जो आदेश हुआ था 12 से उसके बाद, तो आधे लोगों को तो नौकरी मिल गई। शेष हम लोग चाहते हैं कि जिनकी इनकी भूमि अधिग्रहित की गई और शेष जिनकी नहीं भी ली गई, सबको नौकरी दी जाए। कुछ लोगों को नौकरी दे दी गई, नौकरी सरकार ने दे दी, पक्षपात किया, लेकिन जिनको नौकरी नहीं मिली वो आज भी यहाँ पर सड़कों पे हैं। बताइए क्या है, क्या दिक्कत है? अरे, यहाँ रेलवे की वादा खिलाफी के खिलाफ एक किसानों का संघर्ष समिति यहाँ एक आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आंदोलन खड़ा किया है। आर पार की लड़ाई मतलब ये माना जाए कि अब लड़ाई आर पार पर आ गई है। आर पार पर आ गई है। अगर रेलवे अपनी इसी हठधर्मिता पर उतारू रहा तो किसान बहुत आगे जाकर, किसान आगे जाएगा। बताइए। मैं राममोहन पटेल, ग्राम भात और नगौत से हूँ। हमारे नगौत विधानसभा नगौत ब्लॉक के अंदर सन 2010 से भू अर्जन का काम चालू किया गया रेलवे के लिए, जो कि 2010 से चलकर 19/8/19 तक को भू अर्जन की गई। इसके बाद वह प्रशासन एसडीएम और कलेक्टर द्वारा जा करके 21/22 तक अवार्ड जारी किए गए, आदेश किए गए। अवार्ड तो जारी हो गए, तो अब आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत बताइए। उनमें से दिक्कत ये है कि उनमें से नौकरी का प्रावधान था, जो कि उस दिन से आज तक है। कुछ बच्चों को मुश्किल से 100 में 5% बच्चों को नौकरी दी गई, बाकी बच्चों को नौकरी नहीं दी गई। 5% लोगों को नौकरी दे दी गई, 95% आज भी सड़कों पर है यहाँ इकट्ठा होने की सबसे बड़ी वजह। हमें नौकरी अभी भी नहीं मिली है, 5% लोगों को सिर्फ मिली है, और हम अनवरत आंदोलन करते रहेंगे, चाहे इसके लिए हमारी जान क्यों न चली जाए। जान भी क्यों न चली जाए। बताइए। रेलवे ने हमें वादा किया था नौकरी देने के लिए, मुआवजा तो हमें मिल गया, लेकिन नौकरी अभी तक नहीं दी है। जिसके पास भी क्या क्वालिफिकेशन आपकी? अभी ग्रेजुएशन मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, लेकिन इसके चक्कर में हम लोग ना इधर के रहे हैं ना उधर के, तो हमें कम से कम ये तो बता दें कि कब तक में देंगे, कुछ क्लियरिटी तो कर नहीं रहे हैं। पढ़े लिखे बच्चों का एक जायज सवाल, उनका साफ तौर से कहना है नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर हम इसके आश्रय रहे तो हमारी नौकरी की जो भी सरकार ने डेडलाइन तय कर रखी है आयु सीमा, वो खत्म हो जाएगी। ना हम इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। क्या दिक्कतें हैं आपकी? दिक्कत हमारी यही है सर कि हमको रेलवे ने वादा किया था
कि हम आपकी जमीन के बदले नौकरी देंगे। तो मुआवजा तो दे दिया, लेकिन चंद पैसों से हमारा क्या होगा? हमारे बच्चों का तो जीवन कुछ दिन का है, तो हमको उन्हें पालने पोसने के लिए रोजगार की जरूरत है। और रेलवे प्रशासन जो है तो रोजगार के बारे में कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है, लगता है जैसे उनके कानों में पर्दे ही ना हो। बच्चों की परवरिश का सवाल है, मजबूरी है, इस कड़कती ठंड में हम यहाँ पर रहेंगे। सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है, अगर आप बात नहीं सुनेगी तो आगे क्या? ऐसा बात हमारी सरकार नहीं सुनेगी, हम लोग हड़ताल करेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी बात यह है, प्रशासन ये कहता है कि मेरा नुकसान हो रहा, क्या हमारे बच्चों की जमीन भी, माता मेरी भी चली गई, उससे पैदावार जो उपार्जन होता वो भी नहीं होता था, जो हमारे आश्रित थे वो भी भूखे मर रहे हैं, और लड़कों को नौकरी नहीं दी जा रही है, उनका कम से कम 3 लाख रुपए प्रति साल नुकसान हो रहा है। अब इसी स्थिति में जब प्रशासन नहीं सुन रहा, प्रशासन की मनता के अनुसार हम लोग हड़ताल जुलूस कर रहे हैं। अगर प्रशासन हड़ताल जुलूस से बात, सुग्रीव सिंह जी, हड़ताल जुलूस से बात आपकी नहीं बन रही है, अब आगे कुछ और प्लान है कि इसी तरह सड़क में दिखाई देंगे? जी तरीके से दिखाई देंगे, बस जैसे अनशन कर रहे हैं तो रेल की पटरी में सोएंगे, रेल नहीं चलने देंगे। हमारे किसानों का जमीन गया है, हम रेल नहीं चलने देंगे, रेल की पटरी यहाँ से हटा लें। सुने, रेल की पटरी यहाँ से हटा लें, हम रेल नहीं चलने देंगे, हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है, बताइए। बिल्कुल, जैसे कि रेलवे अपनी इसमें दोहरी नीति अपना रहा है, कुछ लोगों को तो उसने रोजगार दिया लेकिन अभी भी रोजगार का प्रावधान है जो कि खत्म नहीं हुआ है, तो ऐसा रेलवे को दोहरी नीति नहीं अपनाना चाहिए। रेलवे को दोहरी नीति अपनानी नहीं चाहिए, समानता का बातचीत होनी चाहिए जी। आपकी क्या दिक्कतें हैं? सबकी दिक्कतें यही है, लेकिन आपकी तो सुनवाई नहीं हो रही, आप बहुत दिन से अनशन में बैठे। मैं बहुत दिन से, काफी दिनों से, मैंने जबलपुर में भी अनशन किया, GM ऑफिस में भी किया, अपने पन्ना में भी किया, यहाँ भी आ रहा हूँ, निरंतर आ रहा हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं पन्ना देवेंद्र नगर से हूँ। हाँ बताइए। मैंने पन्ना में भी चालू किया, यहाँ भी आ रहा हूँ, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही, ना हमारे जनप्रतिनिधि सुन रहे। आज हम 15 दिन से अनवरत यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं। 15 दिन हो गए आपकी कोई नहीं सुनवाई हो रही, कब तक का प्लान है? हम आमरण अनशन करेंगे। आमरण अनशन की बातचीत बताइए क्या है? हम लोग सब लोग मिलकर आमरण अनशन में बैठेंगे, क्योंकि सरकार ने उचित प्रतिकर जो हमारे भूमि अधिग्रहण में है, कि किसानों की जमीन के बदले उनको उचित प्रतिकर जो देना था, लेकिन सरकार ने आज तक नहीं दिया। आधी अधूरी बात सरकार ने की है। सरकार ने कुछ लोगों को तो नौकरी दे दी, कुछ लोगों को नौकरी नहीं दी, पक्षपात। रेलवे जैसे भारी भरकम विभाग ने पक्षपात कर दिया, कुछ बच्चों को नौकरी दे दी, कुछ को नहीं दे दी। आप लोग सड़क पर हैं, आप लोग की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हालांकि ये मामला संसद के गलियारे में भी गूंजा था, अब आगे क्या? बड़ा सवाल यही है। सबसे बड़ा सवाल ये, आप सोच ही सकते हैं कि सतना रीवा लिंक योजना के लिए 1984 में जमीन अधिग्रहित की गई, रीवा का स्टेशन ग्राम पंचायत गुढ़हर में है, आज तक गुढ़हर नाम नहीं लिखा गया, नगर निगम में नहीं है, वहाँ बच्चों को रोजगार नहीं दिया। उसी समय से सबक लेके 2008 से लगातार ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन की जब से बात की गई, तब से हमारे पास ज्ञापन रखे हुए हैं, लगातार ज्ञापन देते रहे, महाप्रबंधक का घेराव किया, उसके बाद वेबसाइट में। मैं सुब्रत जी रोकूंगा, सवाल यह है कि 84 आपने बात की, 84 से बात की जाए तो 23 यानी 39 साल हो गए आपको केवल रेलवे स्टेशन के नाम में गुड़हर जुड़वाने के लिए, ये मुआवजा कैसे दिलवाएंगे? यहाँ पे मुआवजा अब आप, यही तो है, यहाँ पे शुरुआत कर दी है, महापौर महाप्रबंधक का घेराव किया, रेलवे ने वेबसाइट में लिस्ट जारी की, हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय केंद्रीय रेल मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, महामहिम जी से मांग करते हैं, रेलवे के ऊपर 420 दर्ज करिए, क्योंकि इसने वेबसाइट में दर्ज किया है इतने बच्चों को रोजगार देंगे, उनमें से आधे को दिया आधे को नहीं दिया, रेलवे की वेबसाइट में अपलोड है। हमारे केंद्रीय सरकार ने एक अधिनियम ले आके रख दिया कि 2019 के बाद रेलवे ने अपनी वेबसाइट में साफ तौर से लोड कर रखा है। सुब्रत जी का कहना था कि वेबसाइट में लोड है, इसका मतलब 420 का मामला बनता है, सरकार को चाहिए उन पे, रेलवे विभाग पर 420 का मामला दर्ज करें। हाँ बताइए। ये गोविंदगढ़ जो स्टेशन का नाम लिखा हुआ है, ये बांसा में बना हुआ है। गोविंदगढ़ बांसा का आज झगड़ा नहीं है, आज झगड़ा यहाँ जितने लोग स्क्रीन पर मैं
जितने लोग को आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, इनकी रोजी, इनके परिवार की रोजी रोटी का संकट है। मैं शायद इसीलिए आया हूं कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, अपने चैनल के माध्यम से आपकी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए मैं यहां पर मौजूद हूं। अपने मेजबान जावेद अंसारी को दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे। हमारी अंतिम ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।